हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। और कैसे हैं सब? सब ठीक ठाक हैं? ये वीडियो मुझे इमरजेंसी में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेरा अडेनियम है, ये वाला। इसको आज गैलरी ने यहाँ से इसको तोड़ दिया है। इसमें मैंने फेविकोल लगा के चिपकाया था, बट वो नहीं हो रहा। और फिर बरसात का मौसम भी है, आप लोगों को पता ही है। तो ये बहुत ही रेयर कलर है, ये जेड ब्लैक इसको बोलते हैं। बिल्कुल ब्लैक, जेड ब्लैक कलर के इसको फ्लावर लगते हैं। तो इस वजह से मुझे इसको सेव करना है। तो मैं इसकी जो यहाँ से वो टाइनी टूटी थी, वो मैं इसको कट करके मैंने ये इसके पीस कर लिए हैं, तीन चार पीस बना लिए हैं। और मैं इनको अभी दूसरे अडेनियम में ग्राफ्ट कर दूंगा, तो ये मेरा सेव हो जाएगा। नहीं तो मुझे डर है कि शायद कहीं ये ख़राब हो गया, डैमेज हो गया। अभी रेनिंग सीजन भी चल रहा है, तो अगर ये डैमेज हो गया, मतलब ख़राब हो गया, फंगस लग गई इसमें, तो ये मेरा कलर बचेगा नहीं, जेड ब्लैक। ये बहुत ही रेयर कलर है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? फर्स्ट एक ये होगा आपको, बिल्कुल इसको सैनिटाइजर, एक सैनिटाइजर चाहिए होगा आपको। इसको सैनिटाइजर से क्लीन कर लीजिए पहले। तो इसको जैसे क्लीन कर लीजिए सैनिटाइजर से। तो आपको, आपके पास फिर एक टिश्यू पेपर भी चाहिए आपको, उससे इसको क्लीन कर लीजिए अच्छे से। और उसके बाद आप एक ब्लेड भी ले लीजिए, इसको भी सैनिटाइजर कर लीजिए। अगर आप ब्लेड से करेंगे ग्राफ्टिंग तो बहुत ही सक्सेसफुल होता है, इससे अच्छा कट लगता है, बहुत ही अच्छा कट लगता है और क्लीन रहता है बिल्कुल। तो ये मैंने दोनों चीज़ें क्लीन कर ली है। और एक आपको चाहिए टेप, ये वाला ग्राफ्टिंग टेप चाहिए आपको। टेप को भी मैं बीच में से काट लेता हूँ। एक आपको कैंची चाहिए, इससे आप बीच में से इसको काट लीजिए, बिल्कुल सेंटर में से। इसके दो टुकड़े हो जाएंगे तो दोनों काम में आ जाएंगे आपके। अभी मैं अकेला ही हूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, दो तो लोग होने से तो आसानी हो जाती है। ये देखिए, ये मैंने दो टेप ले लिए, उसको सेंटर से काट लिया है। अभी मैं इसमें कट लगाऊंगा। इसकी मैंने तीन ब्रांच काट ली थी पहले ही, एक में मैंने ऑलरेडी ग्राफ्ट कर दिया है, ये आपको दिखाने के लिए ग्राफ्ट कर रहा हूँ मैं। आपने क्या करना है, बिल्कुल पहले तो फ्लैट काट लेना है उसको, उसके बाद फिर उसके बीच में बी शेप कट लगाना है। ये बी शेप मैंने कट लगा लिया इसके अंदर,
चाहे तो आप ब्लेड को इसको तोड़ लीजिए बीच में से, तो आसानी रहती है कट लगाने के लिए, नहीं तो फिर वो फंसता है दूसरी दूसरी साइड का। वो काफ़ी नीचे तक थोड़ा सा कट लगाना है जिसमें बिल्कुल फिट हो जाए जो आप ब्रांच ले रहे हो उसकी, तो उसको आपने इसमें भी कट लगाना है। एक ही बार कट लगाना है बिल्कुल, ये ऐसे मैंने इसमें कट लगा लिया है और फिर इसको इसके बीच में फिट कर देना है बिल्कुल। अडेनियम को आप कभी भी ग्राफ्ट कर सकते हैं, खाली कोल्ड सीजन छोड़ के, सर्दी में नहीं करना होता क्योंकि ये स्लीपिंग मोड में चले जाता है, तो उस टाइम पे ग्राफ्टिंग नहीं होती इसमें। अभी बरसात का टाइम है तो मई जून जुलाई जनवरी फरवरी में नए पटाव होते हैं इसमें, तो भी आप इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये टेप ले लेनी है आपने, ऐसे इसको थोड़ा सा खींच लेना है, सॉरी थोड़ा सा खींच के ऐसे, फिर इसको बिल्कुल टाइट से ही लेना है, बिल्कुल टाइट करके लेना है इसको। इसके चारों तरफ जो भी आप टेप लगाओगे बिल्कुल ऐसे इसको टाइट करके, पूरा टाइट करके लेना है इसको, जिससे कहीं भी एयर का वो नहीं रहेगा, बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी इसके अंदर और ये बिल्कुल फिट हो जाएगा इसके अंदर। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो जाएगी, सॉरी उसके लिए, क्योंकि सिखाने के लिए कुछ अगर सीखना है तो उसके लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। टाइम भी काफ़ी हो गया था, 8 o'clock का टाइम हो गया था, तो मैं करना तो नहीं चाहता था, शाम को आया था ड्यूटी से तो मैंने देखा वो डैमेज हो गया है, उसकी ब्रांच डैमेज हो गई है, गलहरियाँ हैं मेरे यहाँ पे काफ़ी सारी, वो कूदती रहती है, तो वो जानवर है उनको क्या पता, वो बेचारे खेलते हैं तो उससे खेलते खेलते टूट गया, इसके ऊपर चढ़ी होगी वो, तो ये डैमेज होगी इसकी ब्रांच, क्योंकि आपको पता है अभी रेनी सीजन चल रहा है, बरसात ज़्यादा हो रही है, तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी, पानी ज़्यादा भर जाता है ब्रांचों में, पत्ते लीक ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी टूट जाती है वो, बिल्कुल कच्चे हो जाते हैं ना इस टाइम पे। देखो ऐसे काट देना है इसको, प्लस उसके ऊपर आपको फिर कवर करना है इसको, आपने ऐसा पॉलिथीन लेके, ऐसे पॉलिथीन लेके इसको ऊपर से कवर कर देना है, इसमें एयर ना जाए, मॉइस्चर बना रहे इसके अंदर, किसी भी चीज से इसको टाई कर दीजिए, बांध दीजिए ऐसे नीचे से, पूरा टाइट कर देना उसको, बिल्कुल टाइट करके
बांधना है। ये देखिए ये हो गया, ये मैंने आपको एक करके दिखा दिया, बाकी के मैं करूंगा अभी। मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैं इसमें तीन जगह ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ, एक ये यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर दी थी मैंने, और यहाँ पे ये सेकंड की है, थर्ड यहाँ पे करूँगा, एक यहाँ पे है ये ब्रांचेस की, ये ऑलरेडी मैंने पहले किया हुआ है, ग्राफ्टिंग किया हुआ है, इसमें फ्लावर बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैंने उसकी वीडियो भी शायद डाली हुई है। तो जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाएगी तो मैं दोबारा से वीडियो बना के डालूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना अगर वीडियो अच्छी लगे। ओके, बाय फ्रेंड।